free. Killing spree. तो गाइस आज मैंने बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलो वर्सेस स्क्वाड में तीन बैक टू बैक मैचेस में तीन बुया, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मैप में। मैंने तो भाई यूट्यूब पूरा देख लिया, ऐसी वीडियो जिसमें किसी ने सोलो वर्सेस स्क्वाड में तीन बैक टू बैक बुया किए वैसी तो मिली नहीं आज तक। तो ये हमने ही पहली बार किया है। पहला बरमूडा मैप था, दूसरा था कलहारी और तीसरा था नेक्सेट्रा। तो सबसे ज़्यादा किल नेक्सेट्रा में हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं पहला आपको नेक्सेट्रा ही दिखाऊंगा, उसके बाद कालारी और उसके बाद बरमुडा। तो हम उतर चुके हैं ग्रेव्स लैब में। यहाँ पे तो बहुत सारी गन होती है लेकिन मेरे को तो गन मिले नहीं, लेवल 3 का वेस्ट मिला है और स्कार मिल गए, लेवल 1 की स्कार मिली है। उसको डैमेज दिया, बॉडी बॉडी दिया और ये डाउन। गाइज पता है अभी हाथ गर्म नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब करके चला जाना, चैनल को रिपोर्ट मार देना। अभी अब देखना जो इनको हेड पर ना फटना स्टार्ट होता है ना, पहले 3 किल तो हो चुके हैं हमारे, अब इनको पहले फिनिश कर देता हूँ और फिर ऊपर जाता हूँ। तो गाइज मैं इधर आ चुका हूँ ऊपर, इधर एक बंदी थी शॉट गन वाली, इसको डैमेज दिया। मेरे को तो लगा मैं यहाँ पर गया ही, पता है इस पर शॉट गन थी और मेरे पे थी सिर्फ स्कार और G36 जो उतनी अच्छी चलती नहीं। इसका बंदा आया और इसको क्या ही हेडशॉट दिया और इसको डाउन किया है। अब मैं इसको फिनिश करके इसमें से लूटूंगा, देखता हूँ कौन सी गन मिलती है। यार ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा, चलो अब इसको फिनिश करते हैं और इसमें आराम से लूट करते हैं, देखते क्या है। ओ चलो फाइनली हमको MP मिल गई है। मेरे को फुटस्टेप आया, इधर बंदा आया और इसने हेड खाया, वो जो लड़की थी वो शायद भाग गई और इसमें से हम लूट कर देते हैं आराम से। चलो अब आगे चलते हैं और किल्स लेने। तो यहाँ का फाइट हो रही थी, इसको पता नहीं था मैं इधर था और इसको मैंने डाउन कर दिया और फिनिश भी कर लूँगा। 6 किल हो चुके हैं हमारे। अब देखता हूँ गाइस इधर एक और बंदा आ रहा था और इसको हेड देकर डाउन कर दिया, इसको गजब वाला हेड दिया और इसको फिनिश कर दूंगा। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, इधर बहुत बंदे हैं ग्रेव्स लैब में। देखो एक और बंदा है इधर, फायरिंग किया इसने, इसको पता नहीं मैं पीछे हूँ और इसको गजब का हेडशॉट देकर डाउन कर दिया। अब इसको फिनिश करेंगे और आगे चलेंगे। ये किसी को मारने जा रहा था इधर आगे, तो शायद बंदा है, देखो इसने मेरे को देख लिया लेकिन इसको पता नहीं है मैं पीछे से जाऊंगा और इसको भी डाउन कर लिया। अब इसको फिनिश कर दूंगा, चलो इसको फिनिश कर दिया। अब आगे चलते हैं, 9 किल हो चुका है हमारे यहाँ ही और इधर बंदे उतरे, इसको डैमेज दिया, इसको बॉडी बॉडी से ही डाउन कर दिया। इसका दूसरा बंदा भी है, शायद इसको रिवाइव करने आएगा लेकिन नहीं, वो उसने देर कर दी वॉल लगाने में। और एक और बंदा इधर उतरा, इसको भी हेड मार के डाउन कर दिया और ये फिनिश। 11 किल हो चुके हैं हमारे इधर के इधर। इधर एक और बंदा उतरा है, अब उसको मारने चलते हैं। गाइस उस सामने वाले पे SVD है, SC80 थी, उसलिए मेरे को बाहर नहीं निकलना। मेरे को यहाँ से फुटस्टेप आया, यहाँ पे बंदा आया और इसको भाई क्या ही तो हेड मारा है ये। चलो अब इसको फिनिश कर देते हैं आराम से और आगे चलते हैं। गाइस ये बंदा मेरे को कब का दिक्कत दे रहा था, तो इसको चकमा दे के हम इधर निकल लेते हैं क्यों, वरना वो जोन में नहीं आने देता। कोई ना, उधर नहीं बंदे मारे तो अब इधर मारेंगे, मेरे को तो आदत है। देखो इधर सामने बंदा गया एक, ये देखो यहाँ फाइट हो रही है, मैं सीधा घुस जाऊँगा। यहाँ पे दो बंदे हैं, इन्होंने एक को तो मार दिया और इसको एक हेड लगा, बच गए। इस पर अच्छी हेलमेट या वेस्ट है। अब दोनों बंदे साथ में रश करेंगे मेरे पे। चलो एक लेफ्ट से आएगा एक राइट से, लेफ्ट वाले को डैमेज दिया, वो बच गया। एमओ बहुत ही कम है MP40 का, 26 एमओ है। चलो एक को डाउन किया, अब दूसरा आ गया। अरे 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 भाई 0 एमओ हो गए और कार निकाली और ये भी डाउन। चलो अब 2 किल यहाँ आराम से मिल गया। भाई ये खड़ा होना चाह रहा था, नसबंदी कर ली इसकी। चलो अब आराम से हील करूँगा और आगे निकलूँगा। भाई इधर ये एक और बंदा आ गया, ये अच्छा बंदा था भाई, ये लॉन्चर वॉन्चर मार रहा था कसम से। देखो को नेट भी डाल रहा है, ये पिक नहीं दे रहा था, अच्छा बंदा था। गाइस ये देख सकते हो आप, मैं हीरोइक 4 पे खेल रहा हूँ जहाँ पे बॉट लॉबी नहीं आती बाकियों की तरह, और मैं मोबाइल प्लेयर हूँ, मोबाइल में ही खेलता हूँ तो लैग भी होता है। गाइस इसको पता नहीं था मैं पीछे से आ गया और ये डाउन। इस पर वो थे रिवाइवल का, कोई ना, इसको पूरा मार दिया। अब मैं जोन में जाता हूँ भाई। गाइस आखिरी जोन में 16 बंदे बचे, मेरे 15 किल हो चुके हैं। लेफ्ट में बाइक वाला आ रहा है,
तो उसको इग्नोर करेंगे और पहले हम सेफ में हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं भाई मेरे को क्या चुल थी इसको मारने की, मैं ओपन में गया और फ़ोन एकदम पूरा लैग हो गया, मतलब हैंग ही हो गया था पूरा। तो मैं बाल बाल बचा, अब एक सुपर मैडी मार लेता हूँ और रिपेयर किट मार लेता हूँ। गाइज अब हम धीरे धीरे जोन में जा रहे हैं आगे। देखो एक लेफ्ट से भी ये उंगली कर रहा था, इसको एक हेड दिया, अब ये शांत होगा, अब मैं इधर से हील करूँगा। पता है गाइज इधर दिक्कत क्या थी, ये जो ऊपर एक बंदा चढ़ के बैठा है जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता था कि एम नहीं आता, तो मैं उसको नहीं मार रहा था देखो। और ये लॉन्चर पे लॉन्चर मार रहा था, वो मिनी लॉन्चर या जो भी है वो, जिससे वॉल फूट जाती है फटाफट से। अब जोन आने वाला था, मेरे को लगा मैं तो गया ही, क्योंकि मेरे पास वो मिनी लॉन्च पैड भी नहीं था और वो लेफ्ट वाला बंदा जोन में चला गया था। देखो मैं इसको अगर मार, देखो जैसे ही मैं इसको मारने की कोशिश करता वो ऊपर वाला मार रहा था मेरे को, तो मेरे को उसको मारना ही था। तो असल में ऐसे है कि वो अगर राइट साइड पहाड़ों की तरफ जाए तब ऊपर एम नहीं आता, यहाँ से तो एम आता है, तो मैं वही चेक कर रहा था कि इधर एम आता है या नहीं। और उस पहले नीचे वाले को मारा, अब पता था कि ऊपर वाले को मारना ही पड़ेगा, तो इसको मैंने मारा, बहुत डैमेज दे दिया इसको। वो भी सोच रहा होगा कि मेरे को पड़ी तो पड़ी कैसे यहाँ नीचे से। अब वो तो बाहर निकलने नहीं वाला क्योंकि जोन आने वाला है, तो वो ऑब्वियसली बात है नीचे जाएगा, तो मैं आराम से जोन में चला जाता हूँ उसी बात का फ़ायदा लेके। और ये रहा बंदा नीचे वाला, इसको एक 118 का हेड मार के छोड़ दिया, जाने दिया। इसको बोलता हूँ कि जाओ भाई तुम हील वील करके आओ, उसके बाद आना। चलो अब मैं आराम से जोन में पहुँच चुका हूँ, मतलब अब ये मेरा बूया होने ही वाला है लास्ट जोन में। अगर मैं जोन में पहुँच गया तो भाई मेरा बूया होने वाला तो पक्का ही है, वो तो लिख के ले लो। चलो अब आराम से आगे वाले इस पे जाता हूँ। और ये रहा बंदा, इसको तो हेड ही पड़ने वाला था पता है भाई, लेकिन ये बंदा ने गलत गलत दे दिया था, लेकिन उसको भी साहब ने गलत ही हेड दे दिया। मैंने वेस्ट पूरा उड़ चुका है मेरा, अब आराम से लूट उट करेंगे। गाइस एकदम फाइनल जोन आ चुका है, इसको डाउन किया मैंने, आप देख सकते हो वो सामने चार बंदे बचे और वो एक बंदा तो स्कोप खोल के ही बैठा है मेरा, मेरे पे जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ डैमेज दे रहा है। देखो 1v4 सिचुएशन है, देखो अब 5 बंदे हैं जिसमें एक मैं हूँ, सामने 4 है, 1v4 सिचुएशन है। और मेरे को पता नहीं था कि ये 1v4 सिचुएशन है, मुझे लगा 1v2v2 है। ये एक बंदा है, इसको डाउन किया, और ये दूसरा बंदा है भाई, इसको तो नेक्स्ट टेबल, उड़ता उड़ता इसको तो हेड दे दिया। चलो 2 बंदे ख़त्म हो गए, अब 2 बचे हैं बाकी, अब देखते हैं कि बूया हो पाता है कि नहीं। चलो मैं क्रीपर किट मार लेता हूँ और इधर वॉल लगा दी। ये सामने एक बंदा वुकोंग बन के बैठा था, और इसने पता है सबसे ख़राब काम किया, ये AWM ने पता नहीं क्या मार रहा था, ओम चटका दी इसने मेरे को। और ये दूसरा इसका जो किल्ला था उसने रश कर दिया मेरे पे। अब मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, थोड़ा हील वील करना पड़ेगा, और इसको भी काफ़ी डैमेज दे दिया। अरे भाई ये ग्रेनेड भी फेंक रहा है, मुझे लगा अब तो गया भाई, बहुत लो HP है मेरी, लेकिन सुपर मेडी की वजह से मैं बच गया भाई। अब आओ, चलो अब आओ, अब देखते हैं कि अब ये मार पाते हैं नहीं। चलो इसको तो हेड दे दिया, कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा था, और ये पिल्ला इसको भी डाउन कर दिया, तो दोनों ख़त्म हो गए। और इसको भी फिनिश कर देता हूँ हेड मार के, और हो चुका है हमारा लगातार ये तीसरा बूया। वैसे मैंने ये फर्स्ट में दिखाया, लेकिन ये था हमारा लगातार तीसरा बूया, इसमें सबसे ज़्यादा किल थे इसलिए मैंने सबसे पहले दिखाया। देखो ये लगातार ये तीसरा बूया था। तो अब चलते हैं दूसरे वाले मैच पे। तो गाइस ये है मैच नंबर 2, मतलब ये लगातार दूसरा बूया था, जो मैंने पहला दिखाया नेक्सेट्रा वाला वो बूया नंबर 3 था, ये बूया नंबर 2, और जो बूया नंबर 1 था वो इसके बाद आएगा। तो हम कल्हारी में इधर उतर चुके हैं, हमारे फेवरेट जगह कमांड पोस्ट पे, और देखते हैं कि इधर कितने बंदे आते हैं, कितने नहीं। तो गाइस हमारे साथ एक और बंदा उतरा है, मेरे को M60 मिल गई है, ये मुक्के मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको थोड़ा डैमेज दिया। और अब ये पता नहीं कहाँ चला गया, कार 98 मिल गई, वो ये ऊपर चला गया भाई। देखो इसको मैं एक ओपन में रह के मारूंगा, देखना ओपन में रह के ही मारूंगा, देखते हैं क्या कर पाएगा। देखो खा लिया ना हेड इसने भाई, इतना ओपन में था तब भी नहीं मार पाएंगे। चलो इसको पूरा मारेंगे और अब आगे चलते हैं। इसका टीममेट था, इसको एक हेड दिया, ओ भाई मैं स्वर्ग में कैसे आ गया अचानक से भाई। कोई ना, अब यहाँ मैंने बुया कर दिया है और इधर जाता हूँ। वो बंदे ने कमांड पोस्ट में बहुत गलत ही हेड दे दिया, तो इधर आगे आ चुके हैं हम, इसको हेड दिया, डाउन कर दिया XM8 से। ये XM8 की मैं विदाउट स्किन खेल रहा हूँ, मैं स्किन लगाना भूल गया XM8 की। चलो इसका लूटते हैं क्या क्या है इसमें, भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, तो सुपर मेडिकेट वगैरह। इसका टीममेट आ गया, वॉल लगाता हूँ, मैं ये सरप्राइज देने आया था लेकिन ये खुद ही डाउन हो गया भाई। ये भी वो उसका यूज़ कर रहा है, चलो इसको भी पूरा मार दिया।
तो गाइस इधर एक हमको चौमी चौमू मिला था, इसको कितना भी मारो फर्क नहीं पड़ता था, तो इसको ऐसे ही मार दिया हमने। और अब पूरा मारेंगे, सामने फाइट हो रही है जिपलाइन की साइड, इसको काफ़ी डैमेज दिया। ये वुकोंग बन गया शायद, या फिर कंटेनर के पीछे चला गया, छुप गया। देखते हैं गाइस इधर एक बंदा उतरा है, और ये काफ़ी अच्छा बंदा था। देखो इसने भी मेरा हेड उड़ा दिया, मैंने भी इस पर हेड उड़ाया, काफ़ी डैमेज है वो। अब मैं हील करूँगा इस पे पहले कि ये फ्रिज बैंक डालता हूँ। चलो कुछ भी हुआ नहीं, अब मैं भी हील कर दूँगा गाइज। इसको मैंने चकमा दिया, इसको लगा कि मैं वहाँ पे हूँ, तो ये सीधा सीधा गया और ये गया भाई। और ये और भाई इसका टीममेट क्या ही मार रहा था पीछे से। चलो इस पे रश करते हैं गाइज। वो इसका टीममेट था, इसके अभी नामो निशान भी नहीं है, वो भाग गया है यहाँ से जोन में। चलो कोई ना, उसको जाने दो, वो रिवाइव करने चला गया होगा। गाइज मैं कसम से एक पूरा एक रिफाइनरी का चक्कर मार के आया, और अब मेरे को यहाँ पे बंदा मिला और इसको डाउन किया। पूरा एक रिफाइनरी का चक्कर मार के आया मैं। अब देखते हैं यहाँ कहाँ बंदे हैं। देखो गाइज ये फिर से वो चोमू मिल गया जिसको अभी हमने मारा था, और इसको फिर से पूरा करेंगे, पूरा फिनिश करेंगे और आगे चलते हैं। तो गाइज एक और लड़की इधर आ चुकी है जिप लाइन से, मैं एसके से मारने की ट्राई कर रहा था लेकिन एम पी सही है। ओ ये नीचे गिर गई, इसको भाई मेरे हाथ से नहीं मरना था, लेकिन भाई जो अब होने वाला है उसको कौन ही रोक सकता है। तो गाइज इधर काफ़ी बंदे थे, तो मैं मिनी लॉन्च पैड मार के नीचे आ गया, अगर वहाँ रहता तो जोन में भी नहीं आ पाता। तो इधर क्या लगता है, मैं सेफ लैंडिंग होगी? बिल्कुल नहीं, इधर बहुत सारे बंदे, एक को डाउन किया। और अब फटाफट से पैक करता हूँ, हर तरफ से पड़ रही है, राइट में ऊपर भी बंदे हैं जो मेरे को पता नहीं था, और मैं डाउन हो गया। लेकिन ये वॉल इतने परफेक्ट टाइम पे मैंने लगाई थी ना, जिसकी वजह से मैं बच गया। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले मारेंगे नहीं, वो सब वो मिनी लॉन्चर वगैरह सब मारेंगे देखो, लेकिन अब मेरे पे है अच्छे वॉल भी है। अब देखना इसको जो पड़ेगा ना, इसको रनिंग कार में पड़ेगा। देखो मॉन्स्टर ट्रक से उतार दिया भाई, क्या ही तो इसको फेंका है ऊपर से, पूरा उतारा है इसको, तो मीशा लगा के आया था ये। वो भी सोच रहा होगा कि भाई मीशा में भी कैसे पड़ गई मेरे को। एक पहला नेड इसको एकदम परफेक्ट मारा, बाकी ये वाले नेड तो मैंने ऐसे ही फेंक दिए थे। ये नेड कुछ होता है या नहीं? चलो ये डाउन हो गया, लास्ट वाला नेड अच्छा मारा मैंने। अब ऊपर भी बंदे हैं और लेफ्ट साइड में भी बंदे हैं मेरे। चलो वहाँ पे शायद एक और बंदा आ चुका है, वो रिवाइव हो गया मेरा किल, मतलब मैंने जिसको डाउन किया था वो। देखो और दो बंदे हो गए, वो एक से इसको डैमेज दिया, इसने भी वॉल लगा दी। भाई काफ़ी बंदे हैं, ऊपर से भी पड़ेगी मेरे को और पीछे से भी बंदे हैं। ये डाउन हो गया, लेकिन अब मैं इसका किल नहीं ले सकता। अगर किल लेने गया तो ऊपर वाले मारेंगे, और ये लेफ्ट लेफ्ट साइड पे पूरी एक घर पे जो स्क्वाड थी वो अब मेरे पे रश करेंगी। आप देखना, देखो लॉन्च पैड मार के बंदे आएंगे। हाँ, वहीं वहीं से ही आएंगे बंदे। देखना एक बंदा तो आ चुका है इधर, मेरा एम पूरा घूम गया था लेकिन इसको कैसे भी हेडशॉट मार के डाउन कर दिया भाई। ये हॉरिजो लाइन से कितने बंदे लेके आते हैं, कितनी होती है भाई, ये हर बंदे के पास होती है क्या? इसको भी डाउन करूँ, वो रिवाइव होने लगता है। चलो इस पे तो नहीं थी, इसको तो पूरा मार दिया। अब ये देखना, ये जो लेफ्ट वाली बंदी होती है ना भाई, इसमें इतनी चूल होती है ना, देखना भाई ये कितना परेशान करेगी, ये कितने लॉन्चर वॉन्चर मारेगी, कितनी वॉल फोड़ेगी, देखना। अब गिनना बस, ये देखो ग्रेनेड डाल रही है। अब इसका ऐसा था कि मरना तो है ही, लेकिन जितने भी आइटम है ना थ्रोएबल्स, वो सारी यूज़ कर देनी है। उसको पता है मार तो नहीं सकती, ये सिर्फ थ्रोएबल ही डालेगी, जितने थे ना सबके सब यूज़ कर देगी। ये देखना आप, देखो अब अभी भी मार रही थी वो। चलो अब थोड़ी शांत हुई, शायद ऊपर वाले ने उसको थोड़ा डोज दिया। नहीं देखो अभी भी शांत नहीं हो रही, मारे ही जा रही है वो लॉन्चर। चलो मैं पहले इसके टीममेट को पहले डाउन करूँगा, तब थोड़ी ये शांत होगी। चलो अब शांत हो गई, अब एक ऊपर वाला बचा है जिसको जोन में आना है। सामने वाला तो डाउन है, अभी ये लेफ्ट वाली बंदी है जिसमें बहुत चूल है वो। देखते हैं वो क्या करती है अब ये। चलो वो भी जोन में जा रही है, हम भी जोन में जाएंगे। वो डैमेज दिया इसने। अब अभी भी पता है मेरे को, पता था ये एक और बार नेट डालने की, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो इसके मुंह पे ही मैंने वॉल डाल दिया और इसका नेट फेल हो गया। चलो अब फाइनली ये गन पे आ चुकी है, तो इसने रश कर दिया। अरे अरे अरे, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट, और ये चलो ख़त्म। तो फाइनली इसने अपने सारे थ्रोएबल सक्सेसफुली वेस्ट कर दिया। अब लास्ट में 1v1 का सीनेरियो बना है, ये ओरियन बन चुकी है और इसको लगा मैं शॉर्ट रेंज में आऊँगा। चलो फाइनली डाउन, ये हॉरिजो लाइन पड़ी है इस पर लेकिन कुछ काम की नहीं। तो ये हो चुका है हमारा लगातार दूसरा बुइया गाइस, सोलो वर्सेस स्क्वाड में हमारा हो चुका है लगातार दूसरा बुइया।
बहुत ही अच्छे 15 किल के साथ। और अब हम आते हैं हमारी पहली वाली मैच में। ये जो हमने पिछले कालारी वाली मैच थी वो दूसरी मैच थी, और ये हमारी ये पहली मैच जिसमें किल्स कम हुए लेकिन मैच खतरनाक है, एकदम इंटेंस मैच थी। तो चलते हैं अब हमारे आखिरी मैच में, ये वीडियो के आखिरी मैच में, और देखा जाए तो बुया स्ट्रिक के पहले मैच में। तो हम उतरते हैं क्लॉक टावर में और देखते हैं कि कितने बंदे आते हैं यहाँ पे। तो भाई हम उतर चुके हैं और हमको गन मिल चुकी है P90 और UMP, लेकिन मेरे को आवाज़ आया कि पीछे भी बंदा है, उतरा है, तो इधर लैंड माइन लगा के आ जाऊँगा। तो मुझे लगा वो बंदा लैंड माइन में फूट जाए, लेकिन वो चालाक निकला, उसने वो तेज़ भागने वाली एबिलिटी यूज़ की और वो आ गया। और एक और बंदा आया, भाई ये लोग क्या ही भाग रहे हैं, फटाफट फटाफट। चलो मैं अब बंदे आने का वेट करता हूँ इधर। ये आया, चलो एक को डाउन किया, अब दूसरे का वेट करता हूँ। और ये दूसरा आया, इसको भी डाउन किया, अब तीसरे का वेट करता हूँ। गाइज अब इधर देखना क्या हुआ, इधर मेरे मुझे लगा एक और बार एक एक करके आएंगे, लेकिन इधर यहाँ पे दोनों आ गए साथ में और इसमें सीधा सौरभ में आ गया। गाइज एक इधर देखना टाइम कितना बचा है, और एक आखिरी सेकंड ने पूरा इधर बचा दिया मेरे को, वरना मैं मैच में गया ही था। आखिरी सेकंड में उसको हेडशॉट लग गया ये नाइफ से और मैं बच गया। तो इधर मैं पिक में आ चुका हूँ और इधर लूट वूट कर लिया, और मेरे को फुटस्टेप आया इधर, और इधर एक लड़की थी, और इसको ड्रैगन से पहले ही स्प्रे में डाउन कर दिया। अब इसको फिनिश करेंगे, इसका एक और बंदा है। चलो गैस, इसके साथ फाइट काफ़ी लंबी चली थी मेरी। ये वाला बंदा काफ़ी घुमा रहा था, वो भी मरने को तैयार नहीं था, ना ही मैं भी। और इधर फाइनली अब आ चुके हैं मैदान में दोनों आमने सामने, और इसको थोड़ा चकमा देंगे हम। इसको मैं डैमेज दे दे के भाग रहा था, ये फाइनली ओपन में तो आएगा ही। और इधर ये आ गया, ये पहला शॉट, पहले 3 शॉट मिस हो गए, लेकिन इसके बाद सीधा हेड लग गया इसको। अब इसमें से आराम से लूट करेंगे और आगे निकलेंगे। गाइस इधर पिक में फाइट हो रही थी, एक बंदा था, इसको मैंने डैमेज दिया और ये डाउन हो गया। एक गोली का ही था और बाकी अब कोई बंदे थे नहीं वहाँ पे। अब मैं वहाँ जाके इसको फिनिश करूँगा। देखो एक ही था बंदा। अब जो है असली गेम अब यहाँ से शुरू होता है। मैं इधर गलती से आ गया बीमा शक्ति पे, और इधर थी एक और दो स्क्वाड, ये सामने भी एक पूरी स्क्वाड थी और एक लेफ्ट में भी स्क्वाड थी जो अब आगे आएंगी। मोस्टली लोग आपको ये नहीं बताते, लोग ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि वरना सोलो वर्सेस स्क्वाड तो सब खेल लेते हैं और उतरते किल भी कर लेते हैं। जो मेन जो है भाग, वो मेन मेन फेज है, वो है मिड फेज, जो इधर रोटेशन का जो होता है ना वो वाला, जिसमें आप किल करने के लिए आपको ऑब्वियसली बात है आपको जोन के बाहर भी थोड़ा जाना पड़ेगा, जोन की एज पे खेलना ही पड़ेगा। तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास एक से भी ज़्यादा स्क्वाड है, दो स्क्वाड है, तो आराम से एक जगह पकड़नी है और वहाँ से डैमेज देते रहता है, डैमेज देते रहना है किसी भी प्लेयर को। देखो ऐसे इधर मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग हो गया था तो मूवमेंट नहीं कर पाया था, अब आराम से हील कर लूँगा। और एक घर पे ही रहना है जब तक कोई एक स्क्वाड मर नहीं चाहती या कोई निकल नहीं चाहता ना, तब तक आराम से एक घर पे रहना है और डैमेज देते रहना है, ठीक है? आपको अगर वहाँ ओपन में जाएंगे तो कोई ना कोई आपको पीछे से मार ही देगा। इधर मेरे को लगा है कि फाइट हो चुकी है, ऊपर वाले ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मैं जोन में जाऊंगा। ये वाला बंदा दिक्कत दे रहा था, लेकिन मेरे को पता था कि ये ऊपर ओपन में आएंगे ही, तो वो रिवाइव करके ऊपर जा रहा था और मैंने उसको डाउन कर दिया। अब इसको मैं आराम से लूटूंगा। अरे लेकिन ये क्या, पीछे एक और बंदा यहाँ पे बचा था, तो ये दिक्कत देने वाला था, लेकिन मैं बच गया राइट टाइम पे। इधर कवर में आ गया वॉल के, उसके ही टीममेट द्वारा जो लगाई गई थी, और अब मैं बच गया। अब आराम से मेरे पे सुपर मेडी भी है और अब मैं जोन में चला जाऊंगा। मैं ड्रॉप पे जाके देखता हूँ, अगर वहाँ पे मिनी लॉन्च पैड मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है, वहाँ से हम सीधा फैक्ट्री जाएंगे। फैक्ट्री के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ऊपर जा पाते हैं या नहीं। वैसे जोन तो नीचे की साइड है, तो नीचे ही जाना बेहतर रहेगा। तो देखते हैं ड्रॉप में से मिनी लॉन्च पैड मिलता है कि नहीं। चलो ड्रॉप में से वेस्ट भी मिल गया, दो सुपर मेडी और लॉन्च पैड भी मिल गया, तो लॉन्च पैड मार के अब जाते हैं सीधा फैक्ट्री पे। मुझे लगा मैं फैक्ट्री के ऊपर चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं नीचे ही गया। तो गाइज़ यहाँ पे एकदम ख़तरनाक सी एंट्री हो चुकी है हमारी फैक्ट्री में, और इधर बहुत बंदे लड़ रहे हैं। 20 बंदे बचे हैं, 19 बंदे बचे, और मेरे 5 ही किले। इधर मेरे को फुटस्टेप आया, बंदा आया, इसको एक स्प्रे मारा, 3 गोली मारी और 3 गोली मारी। मेरी पता नहीं वॉल कहाँ लग रही थी इस बंदे की, फाइट में देखना मेरी वॉल अलग ही लग रही है। देखो इसको डैमेज दिया, इसको और थोड़ा डैमेज दिया, ये मरने का नाम भी नहीं रहा ले रहा था, और मेरे को भी पड़ रही थी पोचिन ऑक्साइड से। अब वो बंदा नीचे आएगा, मेरे पे सुपर मेडी, अब मैं वो मार लेता हूँ। देखना वो भी ग्रेनेड डाल रहा है, मैं भी डाल रहा हूँ, दोनों में से किसी का भी ग्रेनेड सही नहीं गया। इधर मैंने जानबूझ के थोड़ी गैप रखी है, वो बंदा अगर इधर सीधा आ जाए तो मैं उसको मारूंगा।
चलो भाई, M4A1 चार चार और पाँच पाँच का डैमेज दे रही थी कसम से। देखो और वो बंदा है, लॉन्चर मार रहा है इधर, एंटी लॉन्चर मार रहा है इधर वो। चलो एक और सुपर मेडी मार देता हूँ। और वो भाई तीन ग्रेनेड आ गए इधर कसम से, मुझे लगा अब तो गया लेकिन मैं बच गया। उसके दो ग्रेनेड बाहर गए, एक अंदर आया, लेकिन मेरे पे 4 का वेस्ट था तो बच गया। इस बार मैंने इधर एक वॉल लगा दी, क्योंकि अगर वॉल ये फट जाती तो ग्रेनेड मेरे पे ही फटता। इसने अब मेल्टर ला दिया है, इस पर 3 शॉट मारे, मैंने बच गया, अब मर गया। पहले 300 में पता नहीं ये कैसे बच गया, और मेरी वॉल भी पता नहीं कहाँ लग रही थी। ये गन का 3 गोली इतनी जल्दी निकलती है ना, क्या ही बताएं। चलो इधर और 2 बंदे उतरे, मैंने उसमें 1 का किल ले लिया। अब मेरे पे 3 एमओ ही बची है ड्रैगन की, और वो एकदम परफेक्ट मारनी पड़ेगी, जो हमने मार भी दी है इसमें, एकदम परफेक्ट मारी। अब 0 एमओ हो गए, तो हमको सैडली ये ड्रैगन को छोड़ देना पड़ेगा यहीं, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है अंदर जाके एमओ ले। तो बाई जोन ले लिए हमने इधर से, और अब जोन में जाएंगे। इधर एक बंदा आया था पीछे से, थोड़ा फुटस्टेप आया और फायर का भी आवाज़ आया, इसको डैमेज दिया, लेकिन चलो अब अंदर नहीं जाना। हम जोन में आ गए, ये बंदा ओपन में आया, इसको किसी ने डाउन किया और हमने इसका किल चोरी कर लिया। चलो 9 किल हो चुके हैं। तो गाइस इधर एक काफ़ी लंबी फाइट चली थी, कोई रश मारने को तैयार ही नहीं था, और अब फाइनली एकदम जोन छोटा हो चुका है, और ये बंदे अब रश करना ही पड़ेगा। इसने मोल्टर डाला और ये हेडशॉट से डाउन हो गया, ये हॉरिजो लाइन थी इस पर। अब ये बंदे को मैंने डाउन किया, तो इसने ये सोच के इसको लगा कि वो मेरे को मार देगा, तो इसने रश कर दिया। इसको काफ़ी डैमेज दे दिया है मैंने, और इसको चकमा दिया, और ये ख़त्म, बॉडी बॉडी से ही मार दिया। तो ये था हमारा, वैसे ये वीडियो का आखिरी बुया, लेकिन पहला बुया, 3 बुया स्ट्रिक की, उसमें से यह पहला बुया था। तो गाइज आप देख सकते हो, जैसे कि हमारी 3 बुआ की स्ट्रिक लग चुकी है, जो हमने 3 नॉनस्टॉप बैक टू बैक बुआ किया है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, उसमें ये 3रे नंबर का 21 किल वाला, ये और ये 2रे नंबर वाला 15 किल वाला, और आखिरी ये 10 किल वाला पहला वाला। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। आज तक भाई ऐसा नॉनस्टॉप 3 सोलो वर्सेस स्क्वाड में बुआ तो किसी ने भी नहीं किया, मतलब कि यूट्यूब पे तो मैंने कभी नहीं देखा आज तक ऐसा कोई वीडियो जिसमें नॉनस्टॉप 3 बुआ किए हो किसी ने सोलो वर्सेस स्क्वाड में, और वो भी मोबाइल में। तो बस यही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।